नमस्कार दोस्तों, जी है मेरे पास सैमसंग का गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। दोस्तों ये वीडियो मैं जो आज वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ दोस्तों S23 अल्ट्रा के ऊपर। तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि जिसमें मैंने बताया है कि सैमसंग का गैलेक्सी S23 अल्ट्रा जो आपको 80,000 रुपये में, दोस्तों 80,000 से भी कम की कीमत में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप कैसे ले सकते हो जे, मैं आपको आज पूरा प्रोसेस वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो कोई फेक नहीं है, एकदम दोस्तों जेन्युइन वीडियो है। अगर आपको S23 अल्ट्रा 80,000 से भी कम की कीमत में ख़रीदना है ब्रांड न्यू 12/256 GB वाला, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। और दोस्तों फ़ोन आपके पास होगा, आपको 80,000 से भी कम रुपये खर्च करने पड़ेंगे और आपके पास S23 अल्ट्रा आपके दोस्तों हाथों में होगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ कि कैसे आपको वो फ़ोन बाई करना है। क्योंकि अगर आप अपनी मार्केट में जाते हो तो उसके लिए क्या करना है, और अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों देखिए जी, मेरे पास S24 अल्ट्रा है। तो अभी S23 अल्ट्रा दोस्तों मेरे पास है नहीं है, वो मेरा एक दोस्त ले गया है, तो इस वजह से मैंने वो आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। बट S24 अल्ट्रा जो है तो सेम ही फ़ोन है, डेयान को देखते हुए तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर। ये देखिए, जब आप यहाँ पे आके इस फ़ोन की प्राइस चेक करते हो S23 अल्ट्रा, ये देखिए दोस्तों इसकी जो प्राइस है ये देखिए 89,999 रुपये दी गई है। बट ये आपको नॉट डिलीवर दिखा रहा है, तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ से परचेज नहीं करना है। मैं आपको दोनों तीनों तरीके से बताऊँगा, जो भी आपको ज़्यादा बेस्ट लगे आप उस तरीके से खरीद सकते हो। तो दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट से आ जाना है बाहर, क्योंकि यहाँ पर डिलीवर नहीं दिखा रहा और रेट भी दोस्तों 90,000 दिखा रहा है। आपको आना अमेजन के ऊपर। अब दोस्तों काफ़ी लोग हैं जो अमेजन यूज करते हैं, अमेजन जो होता है दोस्तों उसका यूज करते हैं, वहाँ से शॉपिंग करते हैं, काफ़ी लोग फ्लिपकार्ट से करते हैं। दोस्तों अगर आपको फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद है लेकिन आपको ऑफर चाहिए तो आपको अमेजन पर आना ही पड़ेगा। तो आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ आने के बाद दोस्तों मोबाइल वाले सिलेक्शन पर सिलेक्ट कर लेना है, मोबाइल वाले सिलेक्शन में आके, और इसको कट करने के बाद आपको आना है यहाँ पर सैमसंग वाले ऑप्शन पर। अब देखिए यहाँ पे सारे मॉडल दिखा रहा है, तो हम जैसे बात कर रहे हैं S23 अल्ट्रा की, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए इसके सारे कलर यहाँ पे अवेलेबल हैं, ब्लैक, वाइट, ग्रीन जो भी हैं होते हैं इसमें। इसकी प्राइस दोस्तों दिखा रहा है 12 GB वाले की, 256 GB वाले की 85,000 रुपये, 284,999 रुपये, जो कोई फेक नहीं है। आप देख सकते हो मैं आपको एकदम लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ, कोई इसमें वो नहीं है। मैं आपको एकदम आपके सामने मैंने ओपन किया है, ये 84,999 रुपये, यानी मतलब दोस्तों 85,000 रुपये का ये स्टॉक में दिखा रहा है। और डिलीवरी दोस्तों आपके पास एक दिन के अंदर हो जाएगी अगर आपके पास अमेजन की प्राइम मेंबरशिप है। तो 85,000 रुपये दोस्तों इसकी प्राइस दिखा रहा है, लेकिन अगर आपके पास कोई कार्ड वगैरह है, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो ऑप्शन आप दोस्तों अमेजन पे, जो ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड होता है अमेजन की तरफ से जो बनता है, अगर आपके पास वो कार्ड है तो आपको 4,250 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। तो दोस्तों जी आपको जब जी आप लगाते हो 4,250 रुपये कुछ, तो दोस्तों जी आपको करीब 80,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। और अगर आपके पास कोई और पुराना फ़ोन वगैरह जो होता है वो है, तो दोस्तों जी आपको और भी कम कीमत में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको ये देखिए एक्सचेंज का ऑफ़र भी मिल जाता है। आपने देखा होगा ऑनलाइन हम कुछ सामान खरीदते हैं फ़ोन वगैरह, तो वहाँ पे एक्सचेंज का ऑफर मिल जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसे 80,000 के आसपास इसको परचेस कर सकते हो। और दोस्तों 80,000 रुपये में आपने देखा होगा कि सैमसंग का S24 हमें मिलता है, सैमसंग वाला 256 GB। दोस्तों अगर आप उससे कंपेयर इसको करते हो तो इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर और काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्तों इसके अंदर फीचर दिए गए हैं S24 के कंपेरिजन में। तो अगर आप S24 लेने की सोच रहे हो तो दोस्तों आपको अच्छा होगा कि आप S23 अल्ट्रा ले लो S24 के बदले, क्योंकि वो फ़ोन दोस्तों S24 सीरीज का मिड रेंज फ़ोन है, छोटा फ़ोन है। और जे दोस्तों S23 अल्ट्रा 2023 का दोस्तों एक फ्लैगशिप फ़ोन है, फ्लैगशिप कलर है। तो जब आपको S24 की कीमत में S23 अल्ट्रा मिल जाए तो दोस्तों आप क्यों ना इसको ही बाई करोगे, तो आप इसको ले सकते हो। और दोस्तों अगर आपके पास 80,000 रुपये एक साथ नहीं है
तब भी दोस्तों आप इसको नो कॉस्ट ईएमआई पर 12 महीने की 7,083 रुपये की 12 महीने की ईएमआई बनवा सकते हो, अगर आपके पास बजाज कार्ड या फिर अमेजन का आईसीआईसी वाला क्रेडिट कार्ड है तो। बट दोस्तों उस टाइम पर जो आपको मिलेगा 85,000 का। तो दोस्तों 85,000 रुपये में भी दोस्तों ये बुरा फ़ोन नहीं है अगर आप इसको 12 महीने की ईएमआई में कन्वर्ट कराते हो तो। तो इस तरीके दोस्तों आप इस फ़ोन को इतनी कम कीमत में ले सकते हो सैमसंग गैलेक्सी S24 की कीमत में। अब दोस्तों बात करते हैं ऑफलाइन वाली, जो दोस्तों ऑफलाइन ज़्यादा फ़ोन खरीदते हैं उनको ऑनलाइन विश्वास नहीं होता, तो दोस्तों वो क्या कर सकते हैं, जब तक दोस्तों यहाँ पे ऑफर चल रहा है आप अपनी मार्केट में जाओ। मैं आपको सर्विस सेंटर की बात, सॉरी दोस्तों सैमसंग स्टोर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो आपकी मार्केट होती है यहाँ पे मोबाइल वगैरह मिलते हैं, आप वहाँ जाओ, वहाँ जाके आप उनसे थोड़ा बार्गेन करोगे तो जितनी कीमत में आपको यहाँ पर डिस्काउंट लगा के फ़ोन मिल रहा है या दोस्तों कार्ड का डिस्काउंट लगाने के बाद आपको मिल रहा है 80 के आसपास, तो आपको दोस्तों उतनी कीमत में ऑफलाइन मार्केट में भी ये मिल सकता है। बट दोस्तों उसमें कंडीशन ये रहेंगी कि आपको वो वहाँ पर कैश में ही खरीदना पड़ेगा, कोई भी डिस्काउंट आपको दोस्तों ईएमआई के ऊपर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ऑफलाइन जो दोस्तों जो ऑनलाइन जो आपको जो डिस्काउंट मिलते हैं जो दोस्तों तभी मिलते हैं जब जो कंपनियों के ऊपर दोस्तों जो अमेजन वगैरह इनके ऊपर ज़्यादा स्टॉक हो जाता है तब दोस्तों डिस्काउंट निकालते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और दोस्तों मैं हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर दिया करो दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ, अगर आप सब्सक्राइब करोगे सपोर्ट करोगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। दोस्तों इस तरीके से आप इस फ़ोन को कोई सा भी कलर जो आपको पसंद हो, वाइट, ग्रीन या ब्लैक आप ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा इस वीडियो को देखकर, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक उसे जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।